गणेशोत्सव हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल सार्वजनिक पंडालों एवं घरों में गणपति बप्पा को स्थापित किया गया है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग पंडालों से बप्पा की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। इसके अलावा पंडालों में अलग अलग थीम पर बप्पा को स्थापित किया गया है जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लेकिन इस बार हम आपको ऐसे अनोखे पंडाल के बारे में बताते हैं जिसमें खाटू श्याम की थीम पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये तस्वीरें हैं मुंबई से सटे ठाणे जिले के उल्लासनगर की, जहां पर 10 सालों से बप्पा की मूर्ति स्थापित की जाती है। वहीं इस बार खाटू श्याम थीम पर भगवान श्री गणेश को बिठाया गया है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। यह तो पहले जो पूरा थीम है कि ये यहाँ उल्लासनगर के नहीं है, यहाँ के जो बनाने वाले हैं जो मेंबर जो है सब यहाँ पे कलकत्ता से आए हैं सब टोटली, और टोटली कलकत्ता जो है वर्कर वगैरह सब टोटली मिलके सब लोग यहाँ पे पंडाल बनाए हैं। मतलब आपने थिंकिंग कहाँ से सोचा खाटू श्याम बनाने के लिए? थिंकिंग खाटू श्याम एक नाम ही ऐसा है, हारे का सहारा थीम ऐसा है, नाम से ही आदमी जहाँ से आदमी की हार होती है और हार से और हारे के सहारे से ही अपना खाटू श्याम के हिसाब से हमने वो थीम बनाए। मतलब कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और आपने इसमें क्या क्या प्रयोग किया है, जैसे लकड़ी क्या प्रयोग किया है इसमें? यहाँ पे बाम्बू बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया, जैसे बोलना तो बहुत कुछ है पर कैसे है शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ, लकड़ी बाम्बू और बहुत सारे लोखंड की चीज़ें जैसे यहाँ पर, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई और बहुत सारी कठिनाई भी हुई हमारे, पर नाम ही जहाँ पे हारे का सहारा है खाटू श्याम, तो ऑटोमेटिकली टोटली हमारा सब काम एकदम ऑटोमेटिकली होते गया। कितने दिन का वक्त लगा? करीबन एक महीना पकड़ ही चला। आपके मंडल का नाम क्या है? 26 का राजा।